आप लोगों ने धोखा दिया मुझे। लास्ट वीडियो डाली थी उस पर आपसे रिक्वेस्ट किया था 30,000 लाइक चाहिए, अगर मिल जाएंगे तो एक वीडियो करूंगा जिसमें रेखा ने मुझे चैलेंज दिया था 10 रुपए में पूरा दिन मुझे ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर करना है और मैं नहीं कर पाया तो मैं हार जाऊंगा और कर गया तो मुझे 1,00,000 रुपए मिलते हैं। पर अब 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। 1,00,000 रुपए क्योंकि आप लोगों ने 30,000 लाइक ही नहीं दी। भाई प्लानिंग कर ली थी कि अच्छा ऐसे 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 वो सब रखी रहेगी। चलो बार्गेनिंग कर लेते हैं 20,000 लाइक देख तो 10,000 तो आ ही गए। अगर आप 20,000 लाइक दे देते हो ना तो प्रिंस को मैं 1,00,000 रुपए दूंगी, बट क्योंकि आप लोगों ने लाइक नहीं दिया है तो अब मैं 1,00,000 रुपए नहीं देने वाली हूँ। तो आज का चैलेंज होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। जीतने वाले को मिलेंगे रेखा या मुझे क्या कितने क्या? मिलेंगे कितने? 10,00,000 रुपए। 10,00,000? 10,00,000 नहीं 10,00,000 10,00,000 बोला हमने 10,00,000 सही सुना आपने 10,00,000 रुपए मिलेंगे, वो भी 1 घंटे में आपको खर्च करने होंगे 10,00,000 रुपए। अगर 1 घंटे में खर्च नहीं कर पाए तो जितना अमाउंट आपने खर्च किया है वो आपको अपने जेब से देना होगा, मतलब जेब से तो जो कार्ड देगा उसकी जेब से जाएगा। 10,00,000 क्यों नहीं। क्यों नहीं। क्यों तुम्हें ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर? 10 बहुत ज्यादा, मैं अगर हार के मैं नहीं देता हूं भाई। मैं 10 रुपए में जा रहा था, 10 रुपए में चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं जीत जाऊंगा। मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए 10,00,000 नहीं है बाबू, तुम दे देना पर मैं तुम्हें साथ दूंगी। देखा कितनी देर से लड़की है, क्या पता तुम जीत जाओ। नहीं नहीं कोलो कोई साथ कर लो, साथ 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा बाबू। ठीक है 7,00,000 रुपए। अच्छा चलो 5 कर लो। नहीं बाबू 7,00,000 रुपए 1 घंटे में खर्च करने हैं, 1 दिन में नहीं 1 घंटे में। वेल हाय गाइस दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू रेखा वर्सेस। देखिए ये अत्याचार हो रहा है हस्बैंड के साथ, कोई लड़कों के लिए है अत्याचार हो रहा है हिम पे, ये देखो डर लग रहा है। अगर आपने प्रिंस को 20,000 लाइक नहीं दिए तो इसी तरह से हर इंट्रो में ये मुक्के खाते रहेंगे तब तक 20,00,000 लाइक नहीं मिलते। 20,000 ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो चल स्टार्ट करते हैं, क्या चैलेंज है बताओ मुझे। सॉरी हमारे चैलेंज का नाम है ट्राई नॉट टू लाफ और इसमें जो हंसा वो फंसा वो हारा और उसको देने पड़ेंगे 7,00,000 नॉट लाफ। तो चलो देखते हैं। ये तो ऐसा करते हैं हमें कितनी बार हंसा गाइस आप लोग प्लीज काउंट करके नीचे बता देना कि किसको मिलने वाले हैं 7,00,000 प्रिंस को या मुझे। 7,00,000 अमाउंट इसलिए डिसाइड किया क्योंकि शादी के 7 फेरे लिए हैं, शादी की वीडियो देख रहे हैं उसमें भी 7 फेरे होते हैं, तो आप साथ हम साथ हम साथ साथ है तो 7,00,000। चलिए 7,00,000 में स्टार्ट कर देते हैं। वाह यहाँ दूल्हे राजा है और दुल्हन है, यहाँ पर काफी कम एज के लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं। लड़का कुछ मेरे जैसा नहीं लग रहा नाक में। तुम्हें तो नहीं, तुम्हारी पहली शादी। और दूसरी लग रही है ढिंचक उसे की थी तो हंस पड़े। लेकिन मैं तो तुम्हारी बात पे हंसी हूँ, उस वीडियो में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। जनता नहीं, वीडियो पे हंसना है। रुको जबरदस्ती उठा रहे हैं भैया, वो दिखा रहे हैं हम बाहुबली हम उठा लेंगे लड़के वाले हैं। पीछे से हुआ है, अरे रुकिए, अरे हटिए पप्पन चाचा, अरे हटिए हटिए, इसको भी उठा दिए दुल्हन को। वाह अब हुई ना बात, ढंग से पहनाओ मैडम माला। वो कह रहे हैं दूल्हे राजा को तू भी पहना दी। ये क्या था, उसने कुछ किया होगा उसको? नहीं इन्होंने गोद में उठाया, मुझे लगता है लड़की है उसे पसंद नहीं आई गोद में उठाया कोई, मतलब आदमी गोद में उठाएगा तो भाई ऐसे थोड़ी ना होएगा, क्योंकि शादी में अक्सर तो ऐसे उठाते ही हैं, पर शायद उनको उनका टच पसंद नहीं आया होगा। जीजा जीजा होगा ना। बेचारी बाद में लड़की ऐसे खड़ी है, वो उसकी बहन क्या आपके टूथपेस्ट में नमक, हंसना नहीं चाहिए हंसी निकल गई। सॉरी गाइस पक्का शादी है या कुछ और है? क्या है दूल्हे नहीं बैठे, ऐसे कौन मंत्र पढ़ता है? वो एनर्जी है वो बच्चे ना जी, ये लो रसगुल्ला खा लो। ना जी हम ना खाएंगे,
फेंक दिया नीचे भाई, बोलो पानी पी लो। हाँ पानी तो कड़वा है जी। ये तो तुम लग रही हो। मैं ही हूँ भाई। ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या भाई? गेम खेल रहा है। ये गुटखा खा रही है, ये दुल्हन गुटखा खा रही है गाइस, ये दुल्हन गुटखा खा रही है। ऐसे क्या तुम? नहीं मैं हैरान हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम तो खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम तो खा लो। कोई कारण बता सकता है? लाओ मैं खाता हूँ। बाढ़ में जाए आदमी चिपचिपा हो गया। गाइस ये कैसे लगी थी यार? ये तो क्या, ये गलत बात है। सबके सामने पति को नहीं खा रहा तो उठा के फेंक दिया। सोचो शादी के बाद वो औरत क्या हो गया। नहीं मैं हैरान हूँ। अच्छा। सोचो वो औरत बोल सकते हैं बाबू, बोलना अलाउड है। नहीं बोलना तो अलाउड है पर हंस के बोल रही तुम। मैं हैरान हूँ कि बोलूँ कि यार शादी के बाद ये औरत क्या करेगी अपने पति का, पता नहीं। सोचो तुम्हारी शादी हो रही होती है, मैं तुम्हें मिठाई खिलाने जब फेंक दूँ, क्या होता तुम्हारा? कोई नहीं, मैं उठा के खा लेता रसगुल्ला। आई लव मीठा। अरे तो अपनी बात पे हंसे ना भाई, हम वीडियो देख के ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देख के नहीं हंसना भैया, है ना? हम एक दूसरे का चेहरा देख के तो हंस सकते हैं। कह रहे कि मिठाई में फेंक तो ताके खा लेते। ये कैसा बनी रे भैया भगवान। दूल्हा दुल्हन को देखता ही रह गया। अबे ये पक्का कोई टिकटॉक की वीडियो होगी या कोई किसी को ट्रोल प्रैंक कर रहे होंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है प्रिंस? ऐसे कोई किसी को कैसे माला बना सकता है? पर माला बना दी उसने तो, पता नहीं हो सकता है देवर था या साला था। ये ऐसा कोई रिवाज होता है क्या, देवर साला या पड़ोसियों को ऐसे माला पहना? तो पता नहीं, वो भी अजीब सा खड़ा है ऐसे। हाँ ओ भाई तूफान आ गया है, तंबू फट गया है भाई, इनको भी लेके उठेगा। ये उठ जाएंगे सब, खाना वाना आता भाई मेरे। यार ऐसा नहीं होना चाहिए बेचारे यार। गाइस ऐसा सब कुछ हुआ था मेरे भाई बड़े भैया की शादी में, ऐसी तूफान आ गया था तो। और इनफैक्ट मेरी शादी में भी बहुत बारिश हुई थी। कि प्रिंस तुम कैसे आए थे अपनी शादी में? पानी में तैर के आए। इतने पानी लग गया था तैरते हुए आए थे। अपनी बात अपनी वाली पे ध्यान दे। अबे यार फैल गए। दिस इज सो रॉन्ग यार, ये क्या मतलब हुआ यार? दुल्हन साथ में है, वो साली को उठा के डांस कर रहा है। उस दिन लाइसेंस मिल जाता है, दूल्हे की पिटाई तो होएगी नहीं, कुछ भी करो तो फैल जाते दूल्हे राजा। चलिए बाद में बजेगा उनका बैंड बाजा। ये क्या हो रहा है? ये भी उठा, दुल्हन को गोदी उठा रहा है। ओ तुझे सर पे लग गई भाई ये। हां ये फोटो, ओ माला कुछ। अबे कहां से आते हैं ये लोग? हंस पड़ी लड़की, लड़की हंस पड़ी। यार ऐसे कौन करते हैं बाबू? इमेजिन तुमने मुझे खींचा होता तो मेरा क्या हाल होता? मैं तो भैया भाई घुटने छिल गए होंगे, घुटने छिल गए होंगे। सो सैड। ये लो तुम रखो, जाओ। क्या माला? माला थी नीचे रख दी उसने। क्या उंगली दिखा रही है? बहुत मारूंगी तेरे को, भाड़ में जा। हाँ। वो कह रही, अरे ऐसे करा। वो हंसता हुआ जा रहा बेचारा। नहीं मुझे जाने दीजिए मौसी जी। क्या था ये देखो, बाद में उसे हंसी मजाक कुछ रिवाज हो रहा है यार। ये फोटो की बच्ची फोटो खिंचवा रही भाई। तुम हंसे? ये क्या हंसे? बस हंसे। ओ भाई वो टेक कर दिया। ओ भाई लड़की कौन थी? दूल्हे को काट गए, कट मार दिए गले में दूल्हे राजा के। तो यहाँ दोनों हंसे लेकिन पहले तुम हंसे, तुम्हारा काउंट होगा। बाबू खाना स्टार्ट नहीं हुआ, उस लड़की ने सोचा खाना तो मिला नहीं, दूल्हे को काट लो। उसकी बाने बाद में खाने को दे देगा, तो गल्ला मत काट, ये खाना क्यों खा? ओ भाई ये भी मैरिज का ही पार्ट है बाबू। ओ हो तवाई मची है खाने पे, ऐसे टूट दूसरी वजह से ये खाने पे लोग ऐसे टूट पड़े कि खाना कभी मिला ही नहीं। पीछे से थप्पड़ आया। हट। ये क्या था? ये दूल्हे को तंग क्यों कर रहे हैं अंकल? ये गलत बात है यार, बेचारे दूल्हे को इतना परेशान कर रहे हैं। मुझे हर दूल्हे में मेरा भाई नजर आ रहा है बेचारा, उसकी शादी भी ऐसी ही होगी और उसको ऐसे कोई तंग करेगा मैं तो छोड़ूंगी नहीं। ये 10 रुपए भी दे रहा यार। ये क्या था? हाथी पकड़ ली उसकी, हिलने नहीं दिया उसको। अच्छा अच्छा ये ले तेरे। कौन हंसा पहले? ओ भाई ऐसे कौन करता है? वो तो ठीक है दो यार,
भाई ये बताओ, वो बैठा है, उसकी पगड़ी घुमाई पहले, फिर उसे गले हिला दिए ऐसे, फिर वो ऐसे उठ रहा है, उसके हाथ ही पकड़ लिए, वो ऐसे कर रहा है और बाद में गुस्सा है इसमें क्या भाई, दूल्हे राजा हंसते हैं, नहीं शर्मा रहे हैं कि हमें को देख के, ये दुल्हन जी है रुमाल लेके बैठी है, अच्छा ये साउथ का है, मुझे साउथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, केले के पत्ते। अरे दुल्हन का, दुल्हन ने दूल्हे का खाना ले लिया, चावल ले लिया, मैं खाऊंगी सारा। हाँ बीच में रख दिया था ना, ना दूल्हे को मिला ना दुल्हन को मिला, बीच में रख दिया। एडवांस दुल्हन है हमारी। दे ही नहीं रही है। खाऊंगी धीरे धीरे खाऊंगी। दूल्हा भी सर पकड़ के बैठ गया है। हाय भाई, मैं शॉक्ड हूँ, मैं टोटली यार, उस दूल्हे ने पूरा ये बेंच उठा के फेंक दिया, मुझे लगा क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत बात है, मजा नहीं आ रहा यार। मुझे लगा वो पीछे से ना आवाज कर रहे थे लोग ना, उसे लगा झंड हो रही है मेरी, तो उन्हें क्या करा, क्या करूँ क्या करूँ, उन्हें टेबल उठा के फेंक दी। गलत है क्या, कैसे कुछ आदमी लोग ना बिल्कुल झेल ही सकते हैं औरतों को, पावरफुल औरतों को टिप्स देंगे कि पावरफुल औरतों को कैसे झेला जाए, है ना, लास्ट में बताएंगे, एक मूल मंत्र देंगे, ठीक है। चलिए, ओ भाई ये तो तंबू है, तंबू में खाना खत्म हो गया, तो लड़के वाले लड़की वाले लड़ रहे हैं, ये आंटी कह रही है अब तू हो जा, एक ले कुर्सी ले टेबल दे, वो सर पकड़ रहा है ना, माता पकड़ रहा है, ये चेयर मारी इधर से, वो कहा उधर से ला, बोला बब्बन भैया को बोला डंडा लेके आता हूँ मैं, वो डंडा लेके ले कुर्सी मारी है, पटक्के मारी कुर्सी, ले तो मार, ये उठाया कुर्सी इसने, ले लट, अबे ये कुर्सियों पर मार रहे हैं लट। अब हंस तो लिया, वो रही असल ना, ये देखो यहाँ से मारी कुर्सी हवा में, कुर्सी ये क्या कर रहा है, लट मार रहा है इधर से, साले कुर्सी मारेगा ये ले, ये जिस किसी के भी रिश्तेदार होंगे ना वो क्या सोच रहे, खड़े खड़े गिर रहा है दूसरा। ओ भाई तबाही मचा दी, क्या है ओ अंकुल लट मार रहे हैं बल्ली। अमित सोच ले भाई तेरी शादी में ये ना हाल हो जाए। तू तो गया काम से। ये मुझे लग रहा है बाबू वो लोग हैं थोड़े, जैसे मैं भी कभी कभार शादी में जाता था तो थैली लेके जाता था, पीछे तंबू के पीछे गुलाब जामुन डाल दो, गाजर हलवा डाल दो, तो ये वही लग रहे हैं मुझे, पूरा गांव ही आ गया पीछे खोमचे में। ओ भाई विदाई के टाइम पे एंटी क्या कर रहे थे, माना कि बेटी बेटी और माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता है, पर विदाई के टाइम पे आंसू निकल आते हैं माँ और बेटी दोनों की तरफ से, पर ये तो कुछ ज्यादा ही वो भैग गए कि बेटी को पीछे फेंक दिया तंबू में घुसा, ये धूले राजा बड़ा सख्त है, गर्दन बिल्कुल सख्त ऐसे। जाओ बुलाओ वरमाला ऐसे फेंक रहे जाओ, फेंक रहे हैं ना, ओके साला पागल है क्या, ठूस दिया उसके मुंह पे रसगुल्ला, गलत बात है यार, ऐसे कर रहा है, देखो मेहरबानी, देखो ऐसे जाओ बुलाओ लो मुंह पे रसगुल्ला, ठूस रहा है मुंह में, सैड। ओ भाई आंटी तो 90 साल से ऊपर की लग रही है, क्या मस्त नाच रही है यार, ओ अरे 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 अरे, क्या स्टेप है, पहले यहाँ से क्या स्टेप है, स्टेप मुंह वाला स्टेप कर रहे हो। अच्छा 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 करिए आंटी, हम इस उम्र में भी ना कर पाए, उनकी उम्र में ना कर पाए आंटी, आंटी ले क्लास, ओहो जियो मेरे आंटी, ये हंसे थोड़ा थके हुए हैं, आरती धुन आरती उतारती है, हाँ उतारे कि ना दुल्हन भी, क्यों नहीं तो मीठा खाओ, दूल्हा कह रहा है मैं ऐसे नींद में आरती करोगी, मैं नहीं खाऊंगा मीठा, ले मैं खुद अपने हाथ से खाऊंगा, आजा तू खा, हो गया। क्या क्या है यार, ये लोग कैसे शादी करते हैं, ऐसे आदमी लोगों ना पिटाई करते हैं, उस दिन तो यार हंसने का दिन होता है, गले तो ऐसे रहने चाहिए उस दिन दूल्हे के, और दुल्हन की भी ऐसे, मेरी एक्टिंग कर रहे हो, नहीं बाबू ये ऐसे करते हैं, पर ये देखो दोनों उदास है भाई, जबरदस्ती कर रहे हो क्या, हां लव मैरिज, वाह वरमाला एक्स्ट्रा मेटल अफेयर चल रहा है लग रहा है, ओ माय गॉड यार गधे का बच्चा, ये भी हंसे,
अबे ऐसे नहीं करते यार, किसी लड़की को सम्मान देना चाहिए भाई। वरमाला ऐसे बह रहा वो नीचे निकल गई आर पार। गाइस जहां तक मैं हिसाब लगा पाई हूँ, मुझे लगता है प्रिंस ज्यादा हंसे हैं, मैं कम हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ प्रिंस की बातों पे, ना कि वीडियोस पे। फिर भी आप लोग कैलकुलेट करके बताना कि हम दोनों में से विनर कौन है, और गेस मारो कि अगली वीडियो में कौन किसको देगा सात फेरो वाले 7 लाख खर्च करने होंगे 1 घंटे के अंदर। अगर मुझे मिलते हैं तो लड़कियां शॉपिंग में तो एक्सपर्ट होती हैं, सब उड़ा डालूंगी सब सब। क्या हुआ? हाँ बताना कौन जीता है आज का वीडियो। यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप दे देना 10,000 15,000 आपकी मर्जी है। जितने लोग भी वीडियो देखते हैं प्लीज आप ही दे दो लाइक, तो धीरे धीरे हो जाएंगे 30,000 लाइक। नहीं ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, हाथों हाथ कर लीजिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपने उस वीडियो को 30,000 लाइक दे दिया, 20 भी दे दिया तो भी 20 वीडियो कर देंगे, क्या करेंगे। 7 लाख आ रहा हूँ कैसे दिखा रही हूँ, तो 1 लाख जीतूंगा, कुछ तो प्रॉफिट लूंगा। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं जीता हूँ। और क्या हूँ गाइज, अब ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। पर ये गलत बात है, ये गलत बात है। हारने पे लाइक्स की डिमांड रख दी, 30,000 लाइक्स आएंगे तो प्रिंस करेंगे वो वाला वीडियो, और उसमें जीतेंगे हार गए तो 1 लाख। इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई लाइक्स कुछ नहीं, बस ये जो हंसेगा वो हार जाएगा। अब पता है सबको मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता, आप क्या करें। ये रूल मैंने नहीं बनाया, ये रूल उन्होंने खुद बनाया था। मेरे ऊपर इल्जाम सारा पोत देते हैं, नीचे हेटर्स आ जाते हैं, बोलेंगे रेखा प्रिंस से जल्दी है, रेखा अपने आपको क्या समझती है, चैलेंज खुद तो करती नहीं है। प्रिंस बोलता है भाई रेखा वर्सेस प्रिंस में हमने फॉर्मेट यही रखा है कि मैं प्रिंस को चैलेंज दूंगी और वो चैलेंज करेंगे, और हारने वाले को पनिशमेंट मिलेगा। ये कब हुआ ऐसा? अब बस आज हो गया गाइस, आज से मैं प्रिंस को चैलेंज दूंगी, ये चैलेंज करेंगे, जीते नहीं जीते तो पनिशमेंट मैं लूंगी। यार जीता तो कुछ नहीं मिला, हार गया तो सब कुछ मिला। नहीं जीते तो कुछ मिल जाएगा पर हारे तो फिर पनिशमेंट। अब तो हलवा भी खत्म हो गया, गर्मी आ गई। खैर छोड़ो, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइए अगर चाहते हैं आप इसका सेकंड पार्ट लेकर आए तो दे दो 20,000 लाइक, अगर नहीं दोगे तो नहीं लाएंगे, हम समझ जाएंगे वीडियो आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो तब तक के लिए किसी और बाय बाय।